गायकी मेरे को शुरू से ही बहुत पसंद है। मैं 6 साल का था तो अपने गुरुजी अरविंद सिंह अभियंता का नाम तो सारे लोग सुना है, कौन नहीं जानता है। अखिया में कवन जादू छुपा के तू रख ले बाड़ू। नमस्कार, मैं हूं किशन कुमार और आप देख रहे हैं अपना उड़ी। आज हम फिर से मौजूद हैं गोपालगंज की धरती पे और आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जो बेहद सुरीला गाते हैं। उम्र छोटी है लेकिन नाम बड़ा होते जा रहा है। कहने के लिए तो ये शख्स दिव्यांग है, लेकिन यह एक ऐसा कलाकार है जिसकी बराबरी इस उम्र के कई सारे कलाकार नहीं कर पाते हैं। नाम है हितांशु, मिलवाने जा रहे हैं, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं अपना वुड चैनल के सुनने वाले जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी हमारे भोजपुरिया भाई लोग हैं, जहाँ तक हमारा मैसेज जा रहा है, और सबसे पहले मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्ते कर रहा हूँ। हितांशु जी कब से गायकी के क्षेत्र में है? और मैं गायकी के क्षेत्र में करीब करीब 6 साल का था, तब से मुझे मतलब गायकी मेरे को शुरू से ही बहुत पसंद है। मैं 6 साल का था तो अपने गुरुजी अरविंद सिंह अभियंता का नाम तो सारे लोग सुना है, कौन नहीं जानता है। कुछ जिले के लोग बहुत सारे उनके साथ मैं बहुत सारे प्रोग्राम में गया हूँ जब 6 साल का था तो, और अभी भी मैं उसी मतलब स्ट्रगल कर रहा हूँ। आपने बताया कि अरविंद सिंह अभियंता आपके गुरु रहे हैं, अभी अरविंद सिंह अभियंता के साथ हैं या अलग हो गए? नहीं, अभी मैं अपने गुरुजी के साथ नहीं हूँ, मैं अपना एल्बम निकाल रहा हूँ क्रिश म्यूजिक भोजपुरी से। हमारे मतलब हमारे बहुत सारे एल्बम आए हैं हाल ही, ये अक्टूबर नवंबर में रिलीज हुआ जब से तुमसे दिल लगाया मैंने, और फिर से नगिनिया, उसके बाद मैया इली सेवका के गांव में, मतलब बहुत सारे आगे भी और प्रोजेक्ट आ रहे हैं। गायकी के क्षेत्र में जब भी कोई कदम रखता है तो उसे सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है, आपको कोई सपोर्ट करता है? हाँ, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। हमारे जैसे क्रिश म्यूजिक यानी कि विशाल कैसेट के जो मालिक हैं ज्वाला भैया, वो हमें क्या सारे सिंगर को सपोर्ट किए हैं और हमें भी सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं दिल से, और खुद म्यूजिक वो बनाते हैं और हमें उस पर मतलब गाना गवाते हैं। हितांशु तहलका के आवाज़ को पब्लिक जरूर सुनना चाहेगी, दो लाइन हो जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक पवन सिंह जी का गाना है, अखिया में कवन जादू छुपा के तू रख ले बाड़ू, हम होश में नहीं बानी, हाँ हम होश में नहीं बानी, तू जहिया से तक ले बाड़ू, अखिया में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू। हिंदी भी आपके कई गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं, दो लाइन हिंदी हो जाए। हमारा एक एल्बम आया है कृष म्यूजिक भोजपुरी पे ही, और उस एल्बम का नाम है जब से तुमसे दिल लगाया मैंने, वही सॉन्ग को मैं गा रहा हूँ। जब से तुमसे दिल लगाया मैंने, जब से तुमसे दिल लगाया मैंने, हाँ मैं दीवाना हो गया हूँ, आशिकी में खो गया हूँ, तुझको जो पाया है मैंने, जब से तुमसे दिल लगाया मैंने। बहुत बढ़िया, और आवाज़ तो बेहद खूबसूरत है। भोजपुरी में किसी के फैन है कि नहीं? हाँ, भोजपुरी में हम पवन भैया का फैन है। खेसारी जी से क्या दिक्कत? नहीं, खेसारी जी से कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मुझे वो क्या कहा जाता है ना, पवन भैया सब गाने गाते हैं, हिंदी भी गाते हैं, भोजपुरी भी गाते हैं, इसीलिए हमें पवन भैया पसंद। अब तो खेसारी भी हिंदी गा रहे हैं। हाँ बात तो वो भी मतलब बहुत अच्छे कलाकार है, लेकिन शुरू से मैं भोजपुरी में पवन भैया को फॉलो करता, मतलब पसंद खेसारी को भी करते हैं लेकिन दिल में पवन सिंह को। हाँ हाँ हाँ, तो ये पवन सिंह जी के भी फैन है और पवन सिंह को बहुत प्यार करते हैं, पूरी दुनिया प्यार करती है। भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो इन दिनों अश्लीलता से भरा हुआ गाना भी गाते हैं, आप अश्लीलता वाला गाना गा के क्यों नहीं हिट हो जाते? नहीं, ये देखिए, अश्लीलता हम सिंगर गाते हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर यहाँ पे
चिकन मटन का दुकान चल रहा है, अगर वहाँ पे मिठाई का दुकान खोल दी जाएगी तो अपना तो जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो पब्लिक अश्लीलता सुन रहा है तभी सिंगर अश्लीलता दे रहा है, पब्लिक अश्लीलता बंद कर देना। कोई कंपनी वाला है जो अपना मार्केट खराब करेगा? आप मानते हैं कि नहीं कि भोजपुरी में अश्लीलता है? देखिए ये सब सोच सोच की फ़र्क होती है, और अश्लीलता किसी भी गाने में नहीं होती है। हाँ, मतलब जो भी सॉन्ग बनता है, जो भी गाना बनता है, उसको उसका मतलब दो अर्थ लेकर बनता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। जो पॉजिटिव सोचता है उसके लिए पॉजिटिव है, और जो निगेटिव सोचता है उसके लिए निगेटिव है। इसलिए भोजपुरी में कोई अश्लीलता नहीं है, सिर्फ सोच सोच की फ़र्क है। आपको विशाल कैसेट का पूरा समर्थन मिल रहा है। दर्शकों मैं आपको बता दूं, ये विशाल कैसेट गोपालगंज का वो कॉर्नर रहा है, वो सेंटर रहा है, जहां पवन सिंह, खेसारी लाल, राकेश मिश्रा और भी न जाने कितने बड़े बड़े सिंगर आते थे, बैठते थे, और यहां से उनको बड़ा बनने में बहुत बड़ा सहयोग भी मिला है। ये है विशाल कैसेट का जलवा। आपको उस विशाल कैसेट का सपोर्ट मिल रहा है ज्वाला जी का, जो कि गोपालगंज के जाने माने हैं, लेकिन पूरी इंडस्ट्री उनको जानती है। भोजपुरी में अपना दर्शक लोग के हितांशु का कहे के चाहिए? बस हम रउरा सबसे ये कहे के चाहतनी कि हमार जितना भी सॉन्ग आवताटे, जितना भी एल्बम आवताटे, ओकरा के प्यार दुलार दी। जितरी और सिंगर लोग के रउरा लोगिन आगे बढ़े ले बनी लोग अपन प्यार दुलार दे के, वही तरी हमरो सॉन्ग के सुनी लोग, कहे कि हमार सॉन्ग हरेक मतलब हरेक जगह सुने वाला रहेला, कोनो भी मतलब कोनो भी गलत वर्ड के प्रयोग ना कर जला। तो इससे सारे भोजपुरिया श्रोता समाज से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन बाटे, रिक्वेस्ट बाटे कि अपना घर के छोट बच्चा के, छोट बालक के, छोट भाई के आगे बढ़ावे के पूरा पूरा सहयोग दी लोग। बस और ही कुछ ना कहे के चाहे नहीं, अगर अगर हमार पब्लिक चाहिए तो जीरो से हीरो बना सकेला आ हीरो से जीरो बना सकेला। तो ये सब हमारा पब्लिक के हाथ में बाटे, देवता स्वरूपी जनता के हाथ में बाटे, उन्हें लोग जौन चाहे हम लोग तौन हुई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हितांशु तहलका गोपालगंज के, और हितांशु आने वाले समय में आप सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने लाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे एल्बम लाएंगे। प्यार दुलार बनाए रखिएगा, और इस शख्स को भी खूब बड़ा स्टार आप सभी बना सकते हैं। प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलवाएंगे अगली वीडियो में भोजपुरी के किसी और हस्ती से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।